विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक एवं सूचना विभाग द्वारा योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में अभिलेख एवं छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका शुभारंभ MLC व भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने फीता काटकर किया। जिसके संबंध में MLC व भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने नागरिकों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा किया है। 14 अगस्त को विभाजन के विभीषिका के रूप में भाजपा मना रही है, जिसके लिए छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है, जिससे सभी लोग विभाजन की स्मृतियों से अवगत हो सकें और विभाजन से हुए समस्याओं के बारे में जान सकें कि किस तरह की त्रासदी झेल करके देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम से लोगों के अंदर एक देशभक्ति का भाव पैदा हुआ है, उसी भाव को जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, जिला सूचना अधिकारी प्रशांत श्रीवास्तव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए MLC व भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा, ये वही तिथि है जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत विभाजन हमारे लास्ट में होगा। तो अचानक 4 जून 1947 को विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। 1947 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत माता की एक नल मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव को पूरे देशवासियों को एक आह्वान करके कि हर घर तिरंगा अभियान एक देशभक्ति का जज्बा पैदा किया है। आज विशेषकर 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी इसको मना रही है और उसमें किस प्रकार से विभाजन के समय क्या दर्द था उस पूरे को स्मृतियों में सजाने के लिए उसको एक रूप देने के लिए पार्टी ने जगह जगह पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। गोरखपुर जिला और महानगर ने मिलकर के भी यहाँ एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है। सरकार और संगठन दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं और उसी प्रदर्शनी का अवलोकन हम सब यहाँ कर रहे हैं जिसमें किस प्रकार से 14 अगस्त 1947 का चित्रण क्या था उसका एक लघु रूप इस प्रदर्शनी के माध्यम से दिख रहा है ताकि हम देश के युवाओं को नौजवानों को ये बातें बता सकें स्मृतियों में वो रख सकें किस प्रकार की त्रासदी झेल करके ये देश आगे बढ़ रहा है और मोदी जी आज उनके नेतृत्व में पूरे देश में जो हर घर तिरंगा अभियान का कार्यक्रम चल रहा है एक निश्चित रूप से लोगों में एक देशभक्ति का भाव पैदा हुआ है और उसी भाव को जागरण करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं।